दर्शन करना, रात्रि भोजन क्या, आलू प्याज का क्या आजीवन, इसको याद है मंगलाष्टक स्त्रोत, रत्न शामाचार की 150 गाथाएं महाकवि इसको याद है, पारसनाथ चालीसा, दर्शन स्तुति, तत्काल सूत्र का एक अध्याय, पूजन याद है इसको देव सतगुरु की, छह ढाला की दो ढाल याद है इस बच्चे को, विनय पाठ और भक्तांबर स्त्रोत संस्कृत का इसको याद है, ऐसी विलक्षण प्रतिभा कहाँ से निकली है, ये हमारी पाठशालाओं में पढ़ के बच्चे सीख है, हमारी पाठशाला के टीचरों का सम्मान ये सम्मान है जो ये आज प्रस्तुति दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सम्मान है। तिलक माला तो बहुत देखे होंगे पर इतने बड़े बड़े बाल विद्वान निकाल करके दिखाएं, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तालियों से स्वागत है। आप उच्चारण करके दिखाएं। इदमेव
इस प्रकार से कहीं से भी कोई पूछ लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ है। एक बार बच्चे के संबंध में जोरदार फिर से बहुत सुंदर बन रहे हो, बहुत सुंदर। ये 42वें नंबर की गाथा पूछी है। इस बच्चे को नहीं पता हम कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ से भी बोल रहे हैं वहीं से ये सिखा रहे हैं। अगर ऐसे विद्वान, बाल विद्वान हमारे देश में पैदा हो गए तो हमारे जैन धर्म की ध्वजा ऊंची चलती, ऊंची लहराती चली जाएगी। सबसे बड़ा सम्मान महासमिति का सम्मान ये सम्मान है, हमारी पाठशाला के टीचरों का सम्मान ये सम्मान है, जो ये आज प्रस्तुति दे रहे हैं ये सबसे बड़ा सम्मान है। तिलक माला तो बहुत देखे होंगे, पर इतने बड़े बड़े बाल विद्वान निकाल करके दिखाएं, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये सारा श्रेय महासमिति एवं जैन पाठशाला के लिए, निर्गंत पाठशाला के लिए, उनके टीचरों के लिए जाता है। मैं उन सबके लिए दोनों हाथों से बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, ऐसे बच्चों के लिए और आगे की प्रस्तुति बन